Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So this is class number 2 of chapter number 3, theory base of accounting, accounting principles. Last class में हमने 3 fundamental accounting assumptions के बारे में पढ़ा था, जो कि थे हमारे first going concern concept, consistency concept और accrual concept. तीनों ही बहुत important थे, right? आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम बाकी जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता क्या है पहले उसको आराम से समझते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे. अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है. वो क्या कहता है कि आप हो बिजनेस के ओनर, आपने बिजनेस शुरू किया है. आप मतलब ओनर और आपका जो बिजनेस है वो दोनों के दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं. दोनों को आपको हमेशा अलग ट्रीट करके चलना है, कभी भी दोनों को एक नहीं मानना. ओनर अलग और ओनर का बिजनेस अलग. क्यों? क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, आपको अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. बिजनेस में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ओनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें उससे क्या मतलब है ना. तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस की अकाउंटिंग, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस. ओनर की लाइफ में क्या हो रहा है उसको भूल जाओ. ओनर बिजनेस दोनों अलग अलग, कभी भी दोनों को मिक्स नहीं करना. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, समझो ओनर ने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. राइट, ओनर जब बिजनेस में अमाउंट कुछ इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं. अब आपको सोचना है, हम सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को कहीं से पैसा मिला है, बेशक वो ओनर ही क्यों ना हो, बिजनेस को पैसा मिला है, वो पैसा कभी ना कभी तो बिजनेस को ओनर को वापस करना ही है. ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी समझा था कि जो अमाउंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि बिजनेस को वो पैसा अल्टीमेटली इवेंचुअली ओनर को वापस करना ही पड़ेगा. ओनर जब चाहे बिजनेस से पैसा निकाल सकता है. तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है. क्यों मान रहे हो लायबिलिटी? क्योंकि आपने ये मान लिया है और आपको ये मान के ही चलना है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है. ये बात समझ में आई? देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. सेम बात, राइट, कि ओनर अलग है बिजनेस अलग है, दोनों की एक सेपरेट एंटिटी है. सेकंड पॉइंट, इट मींस दैट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज. जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी. परफेक्ट. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज अ कैपिटल इन टू हिज बिजनेस In accounting records, it is treated as liability of the business to the owner. Same बात कि जब owner business में amount invest करेगा, business उसको हमेशा liability ही मान के चलेगा. Right. Third point कहता है, when the owner withdraws any amount from the business for his personal expenses, जिसको हम drawings बोलते हैं. अब ये सारी accounting terms जो आ रही है, drawings, capital, ये सब हम अपने second chapter में समझ चुके हैं. Right. अब ये point क्या कहता है कि जब भी owner बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ कर लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो जब वो अमाउंट विड्रॉ करेगा तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी. अब बिजनेस को पैसे कम देने हैं, फॉर एग्जांपल ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे थे, तो बिजनेस की एक्चुअली में लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख रुपीज. अब अगर ओनर बिजनेस में से 20,000 विड्रॉ कर लेता है तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचोगे कि अब बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, 80,000, क्योंकि 20,000 तो बिजनेस 20,000 तो ओनर विड्रॉ कर चुका है. बात समझ भाई? यही फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द ओनर विड्रॉज एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड कॉन्सिक्वेंटली अ रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. क्लियर है? राइट, कि ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके कैपिटल कम हो गई और बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई. समझ में आ गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? ग्रेट. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. और सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल.
मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप अपने बुक्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने जर्नल लेजर्स में आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। वो ट्रांजेक्शन्स जिसकी कोई मोनेटरी वैल्यू है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जिन ट्रांजेक्शन्स की कोई मनी वैल्यू नहीं है, जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यही हमने अकाउंटिंग प्रोसेस करते टाइम भी समझा था, यही मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी कहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी सच एज सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसीट्स ऑफ इनकम एटसेट्रा। सेम बात बोली है इसने भी। ओके सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल सच ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर का कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी मैनेजर को आपने अपॉइंट किया है, क्या आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वो बेशक कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, उस उन एम्प्लॉयज की वजह से आपके बिजनेस में बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन आप उसको मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट? और क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट और इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस की सोसाइटी में रेपुटेशन कैसी है, ये सब एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज आप इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट? अमंग पीपल इन जनरल डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म, दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। तो ये कहता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओके सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, आराम से समझते हैं। अब देखो आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? अब अपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस में रुपीज़ 1 लाख इन्वेस्ट करें। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ये है कि ये हो आप, है ना, और आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें। कितने? 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें। अब एक्चुअली में आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपको आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो आपको कब पता चलेगा कि मैंने जो ये 1 लाख रुपीज़ हैं वो अब मेरे 1 लाख के कितने हो चुके हैं, 1 लाख में कितना एप्रिसिएशन आया, ये कितने इंक्रीज हो चुके हैं या कितने डिक्रीज हो चुके हैं, वो आपको एक्चुअली में कब पता चलता है? वो आपको एक्चुअली में पता चलेगा जब आपका बिजनेस हो जाएगा बंद। आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से, जब आप बिजनेस को एंड कर दोगे, बिजनेस बंद हो जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपने परफॉर्म कैसे किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, 1 लाख रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट करे थे अब वो कितने हो चुके हैं, राइट? लेकिन ये बात तो ठीक है कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आपको बिजनेस के बंद होने पर ही पता चलेगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप बिजनेस के एंड होने तक वेट करते रहोगे कि भाई मेरे को तब पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तब तक मेरे दोस्त बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करते टाइम बहुत सी गलतियां कर रहे होगे, राइट? आपको डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस करते टाइम, वो डिसीजंस कैसे लोगे? इसलिए क्या है, इसीलिए जो आपके ये लाइफ ऑफ बिजनेस है, क्या बोला मैंने, जो ये पूरी लाइफ है, जब आपने स्टार्ट किया और जब आपका बिजनेस बंद होगा, इस लाइफ को स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे ये असेस करते रहो, ये देखते रहो कि आपका बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्या आपका बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट में या नहीं चल रहा। दूसरी चीज़, कुछ डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है आपको ये जानना कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, लॉस में चल रहा है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे, रेवेन्यूज कैसे बढ़ाना है वो देखना होगा। तो बेसिकली मोटी मोटी बात ये है कि आपको अपने लाइफ ऑफ बिजनेस को स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना ज़रूरी है, और उन स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही कहता है कि अपने लाइफ जो है आपके बिजनेस की, उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, और उन स्मॉल इंटरवल्स में आप एनालाइज करते रहो कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते रहो, राइट? देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स, जैसे मैंने कहा, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जरूरी है ना,
जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आप अपनी परफॉर्मेंस देखते रहो, तभी तो आप इंप्रूव कर पाओगे, राइट? दीज स्मॉलर पीरियड्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड्स। अब सिंपल सी बात देखो, अगर आपके आप 11th क्लास में हो, अगर आपके डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाएं, सोचो डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली सारी गलतियां फाइनल एग्जाम्स में कर रहे होगे, इसीलिए आपके क्या होते हैं, इसीलिए आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और आप इंप्रूव कर सको। सिमिलरली बिजनेस के साथ है, राइट? आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डिसीजंस कैन बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। सेकेंड पॉइंट भी वही कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है वो इंटरवल जिसके एंड पे, अब होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड्स को किस में डिवाइड कर रखा है, वन ईयर के गैप में, किस में, वन ईयर के गैप में, और वन ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। मतलब समझो अभी 1 अप्रैल 2020 को आपका ईयर शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2021 को आपको ईयर एंड हुआ होगा। इस एक साल के इंटरवल को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो मैंने अपनी बिजनेस के लाइफ को ये एक साल के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब होता ये है कि जैसे ही एक साल खत्म होता है, मतलब एंड ऑफ इंटरवल होता है, इस 31 मार्च को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच, एट द एंड ऑफ विच मतलब 31 मार्च, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, राइट? सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डिसीजंस कैन बी टेकन। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट आपको बताता है कि अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली अ पीरियड ऑफ वन ईयर। जैसे मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब देखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करते हो, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ, इन स्टेटमेंट्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है अपने बिजनेस के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती है। यूजर्स हमने पढ़े थे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन थे? क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, पब्लिक, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के वो कोई डिसीजन लेते हैं, राइट? तो आपके बिजनेस में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट बिजनेस, उसको छुपाओ मत यार, उसको रिपोर्ट करो, उसको डिस्क्लोज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बिजनेस पे कोई कोर्ट केस चल रहा, किसी कंज्यूमर ने केस कर दिया कि भाई आपके, समझ लो जैसे आप कोई ड्रिंक्स बनाते हो और उस ड्रिंक्स में कॉकरोच निकल गया, केस कर दिया, और केस कर दिया, आप हारने वाले हो, आपको लॉस हो जाएगा, तो भाई उसको रिपोर्ट करो, उसको डिस्क्लोज करो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ छुपाओ मत। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सिग्निफिकेंट और मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, मटीरियल का मतलब क्या है कि जो भी यूजर्स को इफेक्ट कर सकती है, यूजर्स के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती है, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, एंटिटी मतलब बिजनेस, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब डिस्क्लोज करना है आपको, ठीक है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग, नॉट कंसीलिंग। कन्वेइंग का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? ताकि आप अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे करो, ना कि छुपाओ। कंसील नहीं करना, छुपाना नहीं है कुछ। ओके, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टीज मे बी एबल टू टेक साउंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर पाओगे, तो जो भी आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, वो एक साउंड डिसीजन ले पाएंगे, मतलब एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, राइट? एग्जांपल क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या एग्जांपल लिखा मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स होते हैं मेन, SLM और WDV।
ठीक है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मान लो कि दो मेथड्स होते हैं SLM और WDV। तो पहले आप अगर डेप्रिसिएशन को SLM मेथड से रिकॉर्ड कर रहे थे और अब आपने WDV पे शिफ्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो भाई बताओ राइट, यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर लिया और क्यों कर लिया, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल समझ में आ गया? ओके, सो आज हमने चार अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस अलग ओनर अलग। सेकंड पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड, कि आपने अपने बिजनेस के लाइफ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और फोर्थ हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर, जितनी भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करो राइट। और भी बहुत से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको ये चारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज करने हैं, जो हमने लास्ट क्लास में तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझे थे, अजम्पशन समझी थी, उनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट है किसी भी प्रिंसिपल में, अगर आपको डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।